हेलो एवरीवन क्लास फोर इंग्लिश ओलंपियाड के सैम्पल पेपर को अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन टू टेन लेट्स गेट स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर वन यू डैश ईट सो मच जंक फूड इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ तो हमको यहाँ पर बोला है जंक फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है तो स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है नहीं खाना है जब कोई चीज़ हमको स्ट्रिक्टली मना की जाती है तो वहाँ पे हम मस्ट यूज़ करते हैं तो यहाँ आ जाएगा ऑप्शन ए यू मस्ट नॉट ईट सो मच जंक फूड इट्स नॉट गुड फॉर द हेल्थ क्वेश्चन नंबर टू स्टूडेंट्स डैश यूज कैलकुलेटर्स ड्यूरिंग मैथ्स एग्जाम तो यहाँ पर बोला गया है स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर यूज करना अलाउड है मैथ्स के एग्जाम में तो हमको एक परमिशन दी जा रही है कि आप कैलकुलेटर अलाउ है यूज करने के लिए तो जब परमिशन दी जाती है वहां पर आता है कैन सो स्टूडेंट्स कैन यूज कैलकुलेटर्स ड्यूरिंग दी मैथ्स एग्जाम क्वेश्चन नंबर थ्री यू डैश पार्क हेयर इट्स अ नो पार्किंग जोन यहाँ पे हमें बोला जा रहा है नो पार्किंग जोन है यहाँ पर गाड़ी को आपको पार्क नहीं करना है तो स्ट्रिक्टली मना किया जा रहा है नहीं पार्क करना है तो यहाँ पे आएगा यू मस्ट नॉट पार्क हेयर इट्स अ नो पार्किंग जोन क्वेश्चन नंबर फोर इफ इट रेन्स टमोरो वी डैश कैंसिल द पिकनिक तो यहाँ बोला जा रहा है अगर कल बारिश हुई तो हम पिकनिक कैंसिल कर सकते हैं तो अगर बारिश हुई मतलब पॉसिबिलिटी है लेकिन पक्का नहीं है सर्टेन नहीं है बारिश हो भी सकती है और नहीं भी तो पिकनिक भी कैंसिल हो सकती है और नहीं भी तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं माइट हो भी सकता है नहीं भी इफ इट रेन्स टूमोरो वी माइट कैंसिल द पिकनिक ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर फाइव शी डैश प्ले द पियानो वेरी वेल शी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग फॉर ईयर्स वो पियानो बहुत अच्छा बजा सकती है वो सालों से प्रैक्टिस कर रही है तो ऑप्शन ए माइट पॉसिबिलिटी के लिए थोड़ी है कि बजा भी सकती है नहीं तो ये नहीं आएगा ऑप्शन बी शुड कंपल्सन है कि मतलब उसको बजाना ही बजाना है नो no, ये भी नहीं आएगा डी मस्ट मस्ट ऑब्लिगेशन है कि उसको पियानो बजाना चाहिए नहीं ऑप्शन सी उसकी एबिलिटी है कि वो पियानो बहुत अच्छा बजा सकती है क्योंकि वो सालों से प्रैक्टिस कर रही है तो शी कैन प्ले द पियानो वेरी वेल ऑप्शन सी इज द आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स यू डैश बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी लाइब्रेरी में चुप बैठना लाइब्रेरी में हमें शांत बैठना होता है ना ये एक तरीके से स्कूल का रूल होता है या लाइब्रेरी का रूल होता है मैंडेटरी होता है सबके लिए तो जहाँ पर मैंडेटरी रूल या ऑब्लिगेशंस होती है वहाँ पर हम मस्ट यूज़ करते हैं यू मस्ट बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी क्वेश्चन नंबर सेवन यू डैश फॉर गेट टू कॉल योर पेरेंट्स दे विल बी वरीड तुम अपने पेरेंट्स को कॉल करना मत भूलना वो परेशान हो जाएंगे तो यहाँ पर हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं पेरेंट्स को कॉल करना मत भूलना एडवाइस सजेशन जहां पर दे रहे हैं वहां पर हम शुड यूज करते हैं तो कॉल करना नहीं भूलना के लिए शुड नॉट आएगा यू शुड नॉट फॉरगेट टू कॉल योर पेरेंट्स दे विल बी वरीड ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर एट ही डैश अस फॉर डिनर इफ ही फिनिशेज हिज वर्क अर्ली वो हमको डिनर के लिए ज्वाइन कर सकता है अगर वो अपना काम जल्दी खत्म कर देगा तो यहाँ पर एक एबिलिटी दी है तो एबिलिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कैन ही कैन जॉइन एज फॉर डिनर इफ ही फिनिशेज हिज वर्क अर्ली क्वेश्चन नंबर नाइन यू डैश बोरो माई पेन इफ़ यू नीड इट अगर तुम्हें मेरा पेन चाहिए तो तुम ले लेना यहाँ पर हम परमिशन दे रहे हैं तो यहाँ पर आएगा कैन यू कैन बोरो माई पेन इफ़ यू नीड इट क्वेश्चन नंबर टेन इफ़ यू वॉन्ट टू गेट अ गुड ग्रेड यू डैश स्टडी हार्ड अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने तो अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी तो एडवाइज है सजेशन है और एडवाइस सजेशन में क्या आता है ये आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स अगले वीडियो में सब्सक्राइब फॉर मोम बाय